हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। दोस्तों, इस चैनल में हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा क्वांटम मैकेनिक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ कि सर इस प्लेलिस्ट का क्या लेवल होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि अगर आप BSc के स्टूडेंट हो, अगर आप MSc के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप BTech कर रहे हो, या फिर आप अपने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स यूज होती है और आपको क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि यार ये फॉर्मूला कैसे आया, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए रहेगी। इस प्लेलिस्ट में मैं सारे टॉपिक्स जो होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के सिंगल सिंगल वीडियो में अच्छी तरीके से बिल्कुल देसी भाषा में आपके सामने रखूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊं, बिल्कुल देसी भाषा में, और आपको बहुत क्लियर कट वो चीजें समझ में आए। क्लियर, समझ में आ गया? सो शुरू करते हैं इस प्लेलिस्ट को। ये आज इसका लेक्चर नंबर 1 होगा, मतलब कि इसकी फर्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दो चीजें। पहली चीज ये कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई। पहला चीज यहां पर ये आता है कि यार एक तो क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, और दूसरी चीज ये आती है कि यार क्वांटम मैकेनिक्स आई क्यों। अरे भैया, न्यूटन बाबा हैं हमारे फिजिक्स के, उन्होंने इतना सब कुछ भैया दिया, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए, ये दिया वो दिया, क्या उस फिजिक्स से हमारा काम नहीं चल रहा कि हमें एक नई फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और ये भी भैया हलवा नहीं है, बिल्कुल मस्त वाली फिजिक्स है। तो ऐसी चीजें क्या हुई, तो दो बातों पर आज काम करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई। तो पहले फोकस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई। अगर आप ध्यान दें फिजिक्स की शुरुआत को, अगर आप देखें तो फिजिक्स की शुरुआत में एक मैकेनिक्स बनाया गया, एक मतलब कि एक ब्रांच बनाई गई फिजिक्स की जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। आप सभी ने कॉलेज में उसको पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ भी रहे होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, आराम से समझना। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि भैया ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, सिंपल चीज ये कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन के जितने भी लॉज होते हैं, ऑसिलेशन, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब जितना भी हमारा ये न्यूटन का जो गणित वो है, भौतिक विज्ञान है, जो भैया न्यूटन बाबा का दिया गया फिजिक्स है, वो हम इस चीज में पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के हम ज्यादातर न्यूटन के लॉज के तहत चीजों को पढ़ते हैं। अगर कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती है तो हम न्यूटन के लॉ यूज करते हैं और उस चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ना जाने कितनी चीजें प्रैक्टिकली भी और मैथमेटिकली भी इस थ्योरी ने प्रूफ करी, जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और आप क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ध्यान से ना, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए भैया कि वो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आराम समझेंगे भैया, बिल्कुल मस्त तरीके से। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके रिजल्ट्स ये क्लासिकल मैकेनिक्स समझा एक्सप्लेन नहीं पाई। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, एक एक करके चीजों को समझते हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट बोले तो सम एक्सपेरिमेंट्स, याद रखेंगे एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकली करा हुआ है, कोई थ्योरी थ्योरी की बात नहीं भैया, प्रैक्टिकली करके बोल रहे हैं बिल्कुल। तो सम एक्सपेरिमेंट्स, कछु एक्सपेरिमेंट्स, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो करा गया दैट इज स्टेबिलिटी नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या सबसे पहला क्वेश्चन कह लीजिए जो क्लासिकल में, ऐसे ये आप ये भी समझ सकते हैं, जितने भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये ड्रॉबैक्स हैं, है ना, दीज आर द ड्रॉबैक्स कह लीजिए या फेलियर्स कह लीजिए, फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी है। तो पहला एक्सप्लेनेशन भैया यहाँ पर क्या था, पहला एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये था कि नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई सोलर सिस्टम है और जो बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन भैया साइड में भर भर करके घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर अगर हम देखें इस लॉ के तहत अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उससे ये चीज समझ में आती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा,
एनर्जी एमिट कर रहा होगा, और एमिट करते 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 वो एक स्पाइरल पाथ घूमेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। मतलब कि इसके तहत जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के मॉडल के तहत जो हमारा एटम है या फिर जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल है। तो इस चीज़ को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, प्रैक्टिकली भी नहीं करती, थ्योरेटिकली भी नहीं करती। और अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ यहाँ पर बोला गया, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ये समझ लो कि एटम के ऊपर जब हम भैया कोई लाइट फेंक के मारते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वाइट लाइट हमने फेंक के मार दी, तो जब हमने वाइट लाइट भैया फेंक के मारी तो हमें एक स्पेक्ट्रम दिखता है। स्पेक्ट्रम में हमें कुछ कलर दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, ऐसे लाइन करके दिखते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा और एक होता है हमारा इमिसिव स्पेक्ट्रा। इमिसिव स्पेक्ट्रा, क्लियर? तो ये दो तरीके के स्पेक्ट्रा होते हैं और इनके अंदर भी और दो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे जीमन इफेक्ट हो गया, स्टार्क इफेक्ट हो गया। ये सारी चीजें आप एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? डोंट वरी, वो भी पढ़ाएंगे एक दिन, तो आराम से समझिए इस चीजों को। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि हम लाइट वाइट लाइट डालते हैं और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, उस स्पेक्ट्रम में हमें सातों कलर नहीं मिलते, कुछ कलर दिखते हैं कुछ कलर नहीं दिखते, कहीं पर डार्क आता है तो कहीं पर ब्राइट आता है। तो वो ऐसा क्यों आ रहा है? अगेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी जो है हमारी, वो नहीं देती। प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है कि स्पेक्ट्रम है, लेकिन भैया रीजन जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो हमारी पुरानी क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो भैया, आगे को देखो। तीसरा क्या है? तीसरा यहां पर है, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तीसरा यहां पर यह है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगर हम ब्लैक बॉडी को हीट अप करें तो उससे जो रेडिएशन बाहर निकल लिया, और उस रेडिएशन का अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं, मतलब स्पेक्ट्रम अगर मैं चेक करूं, तो वो जो स्पेक्ट्रम आता है, वो जो ग्राफ आता है, इसको भी पढ़ाएंगे इसी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे, तो वो जो भाई साहब ग्राफ आता है, जो स्टडीज आती है, जो रिजल्ट आते हैं, अगेन वो क्लासिकल थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये भी भैया एक ड्रॉबैक है। ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, ये प्रैक्टिकली देख रखा है, ये प्रैक्टिकल देख रखा है, ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है, जो ग्राफ है, उसको प्रैक्टिकली उसको रिजल्ट को देख रखे हैं, बट वो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इतने अजीब आ रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरी उनको बिल्कुल मानती नहीं। तो ये भैया एक और ड्रॉबैक है लो क्लासिकल थ्योरी का, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भैया क्लासिकल थ्योरी कहीं ना कहीं अभी भी इतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। और समझो भैया और क्या चीजें होंगी। चौथी चीज देखो भैया, चौथी चीज हो गई आपकी, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, भैया वहां पर स्पेसिफिक हीट कम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करती है, क्या उसकी वैल्यूज होती हैं, कहीं ना कहीं इसके भी आंसर क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ऐसे ही और अगर मैं बात करूं, और बहुत सारे हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आते ही है कि भैया अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, गामा डिके होता है, और वहां पर भी वो जो डिकेज हो रहे हैं उनको भी एक्सप्लेनेशन क्लियरली थ्योरी नहीं देती है। ऐसे भैया हो गया आपका इमिजन ऑफ एक्सरे का इमिजन होना, या फिर एक और जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ा है भैया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट फेंक रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और वो जो करंट बना रहा है उसको फोटो करंट बोल रहे हैं। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर, अब ये याद रखिए एक्सपेरिमेंट्स करे गए, और इसमें से ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था कि जिनके रिजल्ट ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती। तो भैया जब इतना साइंटिस्ट लोगों को दिख गया कि यार इतना सारा भैया बवाल हुआ पड़ा है, इतना सब कुछ भैया, मतलब इतना सारा रिजल्ट है जिसका आंसर हमको ना ही पता, और ये थ्योरी उसको जवाब नहीं देती, तो यहाँ पर ये ऐलान करा गया कि भाई क्लासिकल थ्योरी एक हद तक तो ठीक है, और वो हद कौन सी है? वो हद है 10^-10 मीटर से ऊपर तक के एटम। मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे, बड़े बड़े बॉल की बात करोगे, बॉल हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, मैं हो गया,
इनकी बात करोगे, ऐसी चीजों की बात करोगे जो आप देख सकते हो, वहां पर क्लासिकल मैकेनिक चलेगी, वहां पर बढ़िया चलेगी, मस्त चलेगी। लेकिन अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाओगे, अगर आप 10^-10 मीटर के नीचे तक जाओगे, तब कहीं ना कहीं क्लासिकल मैकेनिक्स अपने जो लॉज हैं वो वहां पर ओबे नहीं होते हैं। वहां पर हमें एक नया मैकेनिक्स को जन्म करना पड़ेगा, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के साथ इनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते 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 ही एक नई ब्रांच का जन्म हुआ फिजिक्स का, एक नए मैकेनिक्स का जन्म हुआ, जिसको नाम दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा भैया आपको डेप्थ में बताएंगे, क्या क्वांटम मैकेनिक्स का भैया थोड़ा बहुत समझ में आया? तो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, तो क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं कि सर क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है उनका जवाब है। यहाँ पर कहते हैं ना कि इन सब का भी जो रिजल्ट है कि इनका ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, उस क्यों का आंसर क्वांटम मैकेनिक्स, उस क्यों का आंसर क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो देखो उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन की ये भी आती है कि ये पार्टिकल और वेव नेचर बताती है, और उन दोनों के बीच में सिमेट्री भी बताती है कि अगर एक पार्टिकल को आप वेव बना सकते हो और वेव को पार्टिकल बना सकते हो, जिसको डी ब्रॉगली कहते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। आ जाइए, क्वांटम मैकेनिक इज द थ्योरी, ये एक थ्योरी है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कम, बहुत ही मतलब वो नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैटर, मैटर का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए, एंड इंटरेक्शन विद एनर्जी। ध्यान से समझेंगे, बिहेवियर ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन विद एनर्जी, मैटर का एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन है, मैटर मतलब कि पार्टिकल नेचर और एनर्जी मतलब वेव नेचर, क्या है इनके बीच में रिलेशन, कैसे जब हम एक बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं, बहुत बहुत ही 10^-10 के नीचे तक जाते हैं, कैसे एक मैटर अपना मैटर मतलब पार्टिकल नेचर छोड़ के कैसे वो वेव बन जाता है, कैसे हम उसको वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं? मेरी थोड़ी गहराई हो तो आप डूब पा रहे हैं, डूबना जरूरी है भैया, क्लियर है? So on the scale of atoms, that is the particle of size is order of 10^-10 meter. Clear? तो भैया ये है हमारा एक छोटा सा introduction quantum mechanics. I hope आपको quantum mechanics समझ में आया हो। आज तो मैं बस इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के क्या फेलियर्स थे। अब ये एक एक करके हम देखो पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट वीडियो आपकी इसके ऊपर आने वाली है ना, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद हम एक एक करके धीरे धीरे करके फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बनाएंगे, फिर कैसे इसको एक्सप्लेन करा गया वो बनाएंगे, ऐसे कर करके हम एक एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको थोड़ा सा भैया क्लियर हो कि यार हाँ यार क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसी, एक बेस कैसा बन रहा है और क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स फेल। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।